वेलकम बैक टू येट अनदर डे ऑफ मिशन 100%। देखो, एक एक दिन करके हम अपनी पार्टनरशिप को कंप्लीट करते चल रहे हैं, और सिर्फ अकाउंट्स की पार्टनरशिप नहीं, तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप मिलके हम शानदार धुआंधार जबरदस्त एग्जाम देने वाले हैं अपने बोर्ड का। एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो टॉपिक जिस दिन होता चले उसको उसी दिन प्रैक्टिस करके खत्म करो, और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट्स में ही तुम उसको लिख देना। ऑल्सो कोई भी बच्चे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या समरीज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म है, उसको भरना एंड योर वर्क विल बी सॉर्टेड। मिलके करते हैं मिशन 100। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे, बेसिकली जो हमारे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनके दो एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। एक, जब वो ट्रांसफर होके यहाँ आए और क्लोज हो गया अकाउंट, तो हम यहाँ पर सारी लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, सारे एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जब एसेट बिकते जाते हैं तो इसको एक प्रॉफिट का अकाउंट मान के क्रेडिट साइड लिखते जाते हैं जितने भी पैसे मिले। पार्टनर भी कोई एसेट टेक ओवर करता है तो हम क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं कि या तो पैसे मिले या पार्टनर बाद में देगा, और जितने भी हमारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होता है वो हम डेबिट साइड पे लिखते जाते हैं। एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन के डिसोल्यूशन के होते हैं वो भी लिख देते हैं, और ओवरऑल जो उसका जिस्ट होता है या तो प्रॉफिट या लॉस होता है, अधिकतर वो लॉस होता है क्योंकि इसीलिए फर्म बंद होने की स्थिति में आती है, तो ये ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को दे देते हैं। नाउ इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी होती है उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट ठीक से करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपको रेशियो पता होना चाहिए, बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे, ये क्लैरिटी होना चाहिए फॉर फुल लेंथ क्वेश्चन। हाउएवर मैंने आपको अभी सिर्फ रियलाइजेशन कराया है, तो उसके लिए मैंने आपको बैलेंस शीट का ये एक फ्रेमवर्क कहा था जो अपने को पता होना चाहिए, जिसमें हमने करा था कि एसेट्स बुक वैल्यू पर जाते हैं रियलाइजेशन में, फिक्टिशियस एसेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं क्योंकि वो बिकेंगे नहीं, कैश एंड बैंक अपने अलग अकाउंट में जाता है। अभी हम करेंगे फुल लेंथ तब आपको ये काम आएगा। कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस वहाँ भेजते हैं, क्वेश्चन में कोई करंट अकाउंट है तो वो भी वहीं भेजते हैं। पार्टनर का लोन है तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर की फैमिली ने लोन दिया तो उसे फादर ब्रदर वाइफ कोई भी देते हैं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो उसको अपन आउटसाइड मान के रियलाइजेशन में ही भेजते हैं। रिजर्व्स जितने भी होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन आउटसाइड मानते हुए रियलाइजेशन में जाते हैं। तो ये पूरा ढांचा हमको पहले सेट करना होता है क्वेश्चन में कहाँ क्या कहा जाएगा, एंड देन वी मेक दिस काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन अकाउंट। इधर आप देख लीजिए, ये रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़ एसेट, एसेट से क्या मिला, लाइबिलिटीज़ में क्या पेमेंट किया, और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन हमने इसका कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रही हूँ, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। 3 तक सब कितने लोगों ने कर रखा है? गुड, 3 तक ही किया था हमने। सो एज यूजुअल ऑल द गर्ल्स आर रेडी विद देयर वर्क एंड द बॉयज एज यूजुअल ओनली फ्यू हैव डन इट, रेस्ट हैव नॉट। सो यू हैव टू मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट। आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स टाइम एंड वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। My first insistence is that all of you focus on understanding the question in all subjects. I feel that you don't read the question properly and hence your ability to solve it also goes down. इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, स्क्रीन पे देखिए। A and B are partners in a firm. They have not given the ratio. बताइए जब रेशियो नहीं देते तो क्या मानते हैं? They decided to dissolve the firm. Financial position दी गई है, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा बोलो? सेपरेट अकाउंट। डेटर्स रियलाइजेशन, प्लांट रियलाइजेशन, स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर, क्रेडिटर जनरल रिजर्व। बी इज लोन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विल गो इन द कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। तो हम एक रियलाइजेशन बनाएंगे, जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 6,300, कहाँ आएगा रियलाइजेशन में? क्रेडिट साइड। फर्नीचर फॉर 3,300 कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। स्टॉक फॉर 13,300 क्रेडिट साइड। डेटर्स रियलाइज ओनली 800 क्रेडिट साइड।
प्लान टू रियलाइज 4,800 क्रेडिट साइड। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गया? क्रेडिटर्स व पेड 2,600 इन फुल सेटलमेंट डेबिट साइड, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 500, मेक द रिलेशन अकाउंट, ऑल योर मार्क्स गेट सेट गो, व्हाटएवर डू द क्वेश्चन, डोंट नीड टू राइट द आंसर दिस क्वेश्चन, सीधे डू द रियलाइजेशन अकाउंट क्विक। वेरी गुड, कितने लोगों से बन गया? तो इतना टफ नहीं है, एवरी थिंग इज टफ बिफोर, इज टफ बिफोर कर करके इट सीम्स ईजी। क्या मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। तो मेहरबान कदरदान, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। रेशो क्या था देखिएगा, 3:1:1, सो 3:1:1 में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए कहाँ क्या गैप हो रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, इन्वेस्टमेंट मशीन, इन्वेस्टमेंट मशीन डेटर और स्टॉक, पहले आपने ये एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कितने लोगों ने ये चारों सही ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद आपने दो लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, ये आपसे हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा कि सन्ड्री एसेट जो बिके वो ये थे, अब मैं एक एक करके देखती हूँ कि उनकी वैल्यूज़ आपने सही ली या नहीं। मशीनरी 3,00,000 की क्रेडिटर को दे दी, और आपको मालूम है क्रेडिटर को मशीन देते हैं तो कुछ नहीं होता, और बची हुई 10,000 की बिकी, तो यहाँ सिर्फ 10,000 आएगा, ये आपको समझ आया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज 290 आपने यहाँ लिख दिया, स्टॉक वो सोल्ड फॉर 180 यहाँ लिख दिया, डेटर्स 20,000 के ख़राब हो गए, बोले तो 1,00,000 में से 20 हटाओ, 80,000 डेटर्स से मिले, तो ये तीनों का टोटल आपने यहाँ लिख दिया। हाँ या ना? अब लाइबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में एक्सपेंसेस लिखे थे 10,000, तो आपने एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए 10,000। आप एक बात भूल गए कि जिस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं मेंशन होता है उसे पे करना ही होता है। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट अ लाइबिलिटी देन यू हैव टू स्टिल पे इट। एट बुक वैल्यू, तो बस वो पे कर दिया एंड देन द लॉस। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, गैप क्या हुआ था, गलती कहाँ हुई थी बताइए। तो आपने एक लेसन लिया कि जो क्लास में बताया जाता है उसे ढंग से कीजिए। कल की क्लास में मैंने आपको ये नोट लिखवाया था, इफ़ नथिंग इज मैंशन अबाउट लाइबिलिटी वी हैव टू पे इट एट बुक वैल्यू, ये चीज़ आप बिल्कुल सिरे से भूल गए। तो अगर आप चीज़ों को जो सिखाई जा रही हैं भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों। चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, एक सेकेंड, इसका टोटल रॉन्ग है। अच्छा टोटल कितना है, 11,00,000, 30,000, ठीक है। और लॉस कितना है, टोटल लॉस का सही टोटल क्या है, 5,000। अनुभूति तुमने कुछ फिगर बोला था ना कि मैम लॉस सही है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग क्यों है, 3:1:1 नहीं आ रहा क्या, यही तो है बेटू 3:1:1, 54×3 = 162, क्या रॉन्ग है बेटू बताओ, कुछ कंफ्यूजन है, 3:1:1 बोलो, चलिए। सो आप यहाँ तक आ चुके हैं, अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको आपको करने के लिए मैं देती हूँ 5 मिनट्स अगेन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो नहीं दिया, जब रेशियो नहीं देते तो 1:1 ले लेते हैं, दो लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल है, तो आपने रेशियो ऑफ कैपिटल देखा 12:13 है, इसका रेशो बनाकर
उसको आप PSR मानेंगे ना कि 1:1। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, क्रेडिटर्स, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, एकदम डुएबल क्वेश्चन है। 5 मिनट्स बॉयज, बात बन, 5 मिनट्स। देख लो ये आंसर सही आ रहे हैं। लॉस एसेट्स रियलाइज को हम सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं, एक अलग भी लिख सकते हैं, जैसा हमें उचित लगे। देखिए कहाँ गैप हो रहा है ऑनलाइनर्स, लेट मी नो। Very good. Some onliners are telling me they've already done. But what about the others? Fast. बिना करे नहीं होगा। आप orally सुन लो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। That doesn't help. You have to write, do in the writing. Writing practice is must. Very good onliners. Very good onliners. ओके बेटा सुनो बेटू, क्वेश्चन में लिखा था गुडविल, तो बच्चे गुडविल को एक नॉर्मल एसेट की तरह रियलाइजेशन में ले जाना, ये एक बात है। और जैसे बेटा कोई बिजनेस, हाँ बेटा लिख सकते, जैसे कोई बिजनेस बिकता है तो वो अपने गुडविल के भी पैसे लेता है सामने वाले से, कि जो मेरे एसेट हैं वो तो ठीक हैं बट मेरी नाम की भी तो वैल्यू है, उससे आप कमाओगे। तो इसलिए गुडविल रियलाइज 12,000 का मतलब है हमें हमारी गुडविल की वैल्यूएशन 12,000 प्राप्त हुई, लाइक एनी अदर एसेट। दैट्स ऑल। ऑल राइट एवरीवन, कितने लोग से बन गया, हाथ उठा दो, हाथ जरा जोर से उठाना, पूरे पूरे उठाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, थकना बिल्कुल मना है, थकना बिल्कुल मना है। होमवर्क पे मुझे आप पे कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ आपने सीखा इस क्वेश्चन में कि उन्होंने रेशो ऑफ कैपिटल में रेशो निकालने को बोला था, तो हमें केयरफुल रहना था, नहीं देते तो हम 1:1 लेते। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, यहाँ भी उन्होंने रेशो ऑफ कैपिटल दिए हैं, तो देखिए उनके कैपिटल का रेशो क्या आ रहा है। ऑड सा फिगर है तो इसका रेशो बनाना पड़ेगा, 2:1 सीधा नहीं है। ओके अब उसके बाद नहीं समझ आया, रेशो समझ में नहीं आया, टोटल करके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वो रख के, तो बस डेटर रियलाइज है डिस्काउंट ऑफ 5%, इसमें से 5% माइनस कर देना। हाँ, 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय हनीफ अ पार्टनर एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, रिमेनिंग वॉज सोल्ड ऑफ फॉर 65,000। वो जो हमने एंट्रीज की थी ना टफ वाली, उसका एक पॉइंट अब पहला आया, अभी तक तो इजी चल रहा था। तो पार्टनर ने 50 स्टॉक को दो टुकड़ों में बांटना, 50-50, एक 50% पार्ट का 10% लेस करना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा, रिमेनिंग स्टॉक 65,000 में बिक गया नॉर्मल। फर्नीचर वॉज टेकन बाय जुबैद, वो भी एक पार्टनर था, फॉर 135। पार्टनर कुछ लेता है तो आप पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर लेते हो। मशीन वॉज सोल्ड एज स्क्रैप नॉर्मल, क्रेडिटर पेड इन फुल नॉर्मल, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बिगिन बिगिन बिगिन। एक छोटी सी बात मुझे याद करके बताओ, एडमिशन रिटायरमेंट के चैप्टर में जब वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड आता था, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड हमारी लाइबिलिटी कब बनता था, जब कोई क्लेम आए,
क्या इस क्वेश्चन में कोई क्लेम दिखा? इसका मतलब उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो पूरा किस नेचर का हो गया? रिजर्व। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऐसे सोचना है। आई विल रिपीट माय पॉइंट, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड हमने साइड में रखा था, प्रॉफिट्स का वो हिस्सा है। अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी होती उसके अगेंस्ट, तो हमको पता है कि अब ये पे करना है, तब हम वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे ले जाते और पेमेंट डेबिट साइड पे ले जाते। बट अभी क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, विच मीन्स कि वर्कमैन्स के वाले एंगल से हमें कुछ पे नहीं करना, तो हम उसको प्योर रिजर्व मानेंगे और रिजर्व मान के हम उसको सीधे पीएनएल में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब मैं फुल लेंथ क्वेश्चन कराऊंगी। अभी रियलाइजेशन बनाने को बोला है बस। अब हमने रियलाइजेशन की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, अब हम फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस एंड दैट चैप्टर इज डन। किनारे पे ही है चैप्टर, क्योंकि फुल लेंथ क्वेश्चन जैसे एडमिशन में होता था, एक बार रियलाइजेशन आ गया फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डन। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट बेटा? तो इसको नोट करके रखना चाहिए एलडीआर के जैसे, कि वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन ओनली व्हेन देयर इज एनी लायबिलिटी, एल्स टेक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, देखिएगा जरा क्या पोजीशन, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब लॉस जो है हनीफ और ज़ुबैर 11,13,500 का लॉस है और ये टोटल है। देखिएगा कितने लोगों का आंसर आ पाया। चलिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाया तो आप उस तरफ तो हैं, आपको ब्रॉड समझ में आ गया है कि प्रैक्टिस करते करते वी विल बी देयर। क्या बेटा एसेट में क्रेडिटर्स क्रेडिटर 1.5 लाख क्यों लिखा बेटा? क्योंकि क्रेडिटर 1.5 लाख के थे इसलिए 1.5 लाख लिखा। और कौन सा 1.5 लाख है बेटू? और ये क्रेडिटर्स का पेमेंट है बेटा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने कहा है वो पे करेगा, पेड बाय हनीफ, तो हमें उसे बाद में देने पड़ेंगे। अभी पार्टनर ने दे दिए हैं, बाद में हम उसे देंगे, इसलिए बेटा अमाउंट में कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, क्योंकि हम उसे बाद में देंगे। बन गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन वी विल मूव टू फुल लेंथ क्वेश्चंस। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वी आर डूइंग ओनली रियलाइजेशन अकाउंट, बाद में यही फुल लेंथ क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, 4:1 रेशियो दिया है। लेट्स रीड द एडजस्टमेंट्स। शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट लेस देन बुक वैल्यू, रिमेनिंग वाज सोल्ड फॉर 40,000। ये आपको अब अच्छे से आ गया है कि एक फिगर के दो पार्ट बनाओ, जिसने जितने में लिया उसका वैसा वैसा एडजस्टमेंट करो। All unrecorded investment was sold for 20,000. Recorded था, unrecorded था, पैसे आए क्रेडिट कर साइड पे रियलाइजेशन की। मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। बोलो तो 130 की मशीन में 60 माइनस करा तो 70 में बिकी। डेटर्स रियलाइज 55, मैंने डेटर्स को मांगे तो उन्होंने इतने पैसे दिए। और देर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19 वर टू बी पेड। तो बस सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 मिनट्स टू 4 मिनट्स में होना चाहिए।
कोई खास एडजस्टमेंट है ही नहीं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।